कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको आपने प्राधिकरण के सामने रखा लेकिन प्राधिकरण मानने को तैयार नहीं? देखिए, हम बोल रहे हैं आबादी की मांग 450 से 1000 मीटर पर बालिग हमें हर एक सदस्य को चाहिए। 64%, 10% 1997 से 2014 तक हर एक आदमी को चाहिए, क्योंकि एक करार में एक ही करार है, एक ही भूमि है, दो भाई है, एक को मिल गया दूसरे को नहीं मिला। पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे वो आबादी में हो चाहे वो हमारे प्लॉटों में हो, उनको हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। 5% के प्लॉट जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इन्होंने कभी रोजगार की जो प्राधिकरण ने बात की वो कभी दिया ही नहीं है। जब आज हम वहाँ रोजगार करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे मैं नोटिस भेजते हैं और हमसे पैसा मांगा जाता है। वहाँ पे भवन नियमावली 18 मीटर के लिए हम राजी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मौखिक आश्वासन हम नहीं मानेंगे, बोर्ड मीटिंग की हम बात करते हैं। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, हो क्या रहा है, हमारी मांगों पर सहमति बनी है। ये सरकार के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हो, जो MP सुन रहे हो, MLA सुन रहे हो, सांसद सुन रहे हो, सरकार का कोई भी मंत्री सुन रहा हो, आप संवाद स्थापित करें। आप लोगों का दमन नहीं करवा सकते, हम आपसे कोई बाहर के आदमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जी हजूरी से काम होगा, आपकी हम जी हजूरी भी कर लेंगे, लेकिन जब सरकार संवाद का रूप ले ही नहीं रही है, कोई जनप्रतिनिधि पिछले 51 दिनों में, कोई संगठन का आदमी किसी 51 दिनों में, यहाँ पे 2 सांसद रहते हैं इस जिले में, 4 विधायक है, 1 MLC है, 6 लोग 7 लोग जनप्रतिनिधि आके हमारे धरना स्थल पे, उन्होंने हमें ऐसा छोड़ दिया है कि जैसे इस 81 गांव के ना वो कुछ लगते हैं ना उनको वोट चाहिए। अरे हम मतदाता हैं और हम आपके जन्मदाता हैं, और ये तो 5 साल की चक्की है, फिर चलने वाली है 5 महीने बाद, आपको स्पष्ट तरीके से कह दे, संवाद स्थापित करें। संवाद के लिए हमने कभी मना नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा डॉक्यूमेंट्री ड्यू है, हमारी मांग नहीं, हमारा करार है, उनके पास बोलने के लिए बताने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है, और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन प्रशासन ने ये उन्हें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में बैठकर बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात होती है कि क्या किसान यहां से धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं, वार्तालाप के लिए तैयार होते हैं जी, या फिर उनका धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल किसानों का यहां पर प्रदर्शन जारी है और लगातार वो नोएडा प्राधिकरण के गेट पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी तादाद में किसान मौजूद हैं और लगातार यहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, और देखिए कि ये सामने नोएडा प्राधिकरण का गेट है और इसी गेट के सामने किसान लगातार।